हेलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लग्जरी या रिच लाइफस्टाइल पर मोटिवेशनल शॉर्ट्स वीडियोस बनानी है, जिससे कि आप पर मंथ $1000 या उससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, वो भी ओनली यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। और ऐसे कंटेंट को आप अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और पिंटरेस्ट पेज को ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको उस चीज में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि आपको बस एक बार ही कंटेंट क्रिएट करना है, उससे आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रो कर सकते हो और उन प्लेटफॉर्म से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और ये सारा कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट करके ही बनाना है, लोगों ने ऑलरेडी रॉ फुटेजेस डाली हुई है, आपको बस उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके उसको डालना है, जिससे वो आपका ओरिजिनल कंटेंट बन जाएगा। और इसमें आपको कोई फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई वॉइस ओवर नहीं करना, बस आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट का वर्क करना है। और इसमें मैंने आपको ब्रीफली समझाया हुआ है कि आपको ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको हिंदी में कंटेंट नहीं बनाना। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लग जाए और किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ही डेस्कटॉप पर ले चलता हूं, कैसे सारी चीजें करनी है आपको, कैसे कॉपी पेस्ट वर्क करना है, उसके बारे में ब्रीफली बताता हूं। तो देखो गाइज, मैंने यूट्यूब पर सिंपली सर्च किया मोटिवेशन कोर्स हैशटैग शॉर्ट्स, तो उसके रिलेटेड कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है। मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें बस पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और कुछ भी नहीं, सिंपली यहाँ पर इसने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इंटरेस्टेड मोटिवेशन कोर्स की वीडियोस बनानी है, जो कि आपकी ग्लोबल ऑडियंस को भी हिट करे। और आपको ओनली एक बार वीडियो बनानी है, आप उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, अपने फेसबुक पेज को ग्रो करने के लिए, अपने पिंटरेस्ट के पेज को ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हो। उस चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तो बेसिकली हिंदी में कंटेंट बना रहा है, अगर आप लोग भी हिंदी में कंटेंट बनाओगे तो आपके पास ओनली इंडियन ऑडियंस ही आएगी, या वही ऑडियंस आएगी जिनको हिंदी समझ में लग रही हो। तो इसलिए हमको यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट बनाना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये चैनल है एक यूट्यूब पर, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये इंस्टाग्राम से लोगों के कंटेंट को ही कॉपी पेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जैसे मैं आपको इसका एक कंटेंट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस चल रही है पीछे, यहाँ पर इसने मोटिवेशन कोट्स लिखे हुए और पीछे एक म्यूजिक हुआ है। और बिकॉज यहाँ पर टेक्स्ट इंग्लिश में हम दे रहे हैं, तो इससे ग्लोबल ऑडियंस की रीच होगी हमारी, जबकि अगर हम ऐसे हिंदी में कंटेंट बनाएंगे तब ओनली हमारे पास इंडियन ऑडियंस या वही लोग आएंगे जिनको हिंदी समझ लग रही हो। तो हमको कुछ ऐसा मोटिवेशन चैनल क्रिएट करना है जिसमें आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा, आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं आएगी, आपको लोगों का कंटेंट ही रीयूज करना है, बस आपको ऊपर अपना मोटिवेशन कोर्स लगाना होगा, वहां पर ये सारा कंटेंट आपको बना बनाया ही मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी ऐसा वैल्यूएबल स्टेप मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अब बारी आती है कि आपको ऐसे शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए कंटेंट कहां से लेना है। जो आपको यहां पर कोट्स लिखने हैं वो तो आप सिंपली गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे सिंपली गूगल पर आप सर्च करना मोटिवेशन कोट्स, तो उसके रिलेटेड यहां पर देखो बहुत से कोट्स आ जाएंगे। आप नीचे आना, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट दी हुई है, यहां पर बहुत से मोटिवेशन कोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये है एक वेबसाइट, मैं यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर आपको 100 कोट्स मिल जाएंगे, मतलब कि इस एक वेबसाइट से आपके 100 शॉर्ट्स वीडियोस बन जाएंगे। देखो ये सारी कोट्स है, फर्स्ट नंबर पर ये है, व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू गॉट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो, ये हमारा फर्स्ट कोट हो गया। यहाँ पर ये सेकंड है, ऐसे यहाँ पर टोटल 100 कोट्स दिए हुए हैं। तो कोट्स तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बारी आती है कि जैसा ये कंटेंट डालता है ऐसा हमको अपने शॉर्ट्स के लिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो उसका बेस्ट आंसर है इंस्टाग्राम पेजेस से, वहां पर आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा अगर आप मेरे बताए हुए मेथड पर इंप्लीमेंट करोगे। जैसे मैंने ऑलरेडी ऐसे पेजेस फाइंड किए हुए हैं, जैसे देखो एक ये पेज है, लग्जरी नाम है इसका, इसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप सिंपली इन पेजेस से भी कंटेंट उठा सकते हो। जैसे देखो आप सिंपली रील्स में जाना इनकी, तो इसका जो सारा कंटेंट है वो लग्जरी या हाई लाइफस्टाइल पर ही है, जैसे देखो रिच लाइफस्टाइल पर ही है। जैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूं एक इसकी रील को,
तो देखो जैसे ये कार की वीडियो है और ये काफी ज्यादा अपीलिंग है। यहाँ पर देखो इसने क्रेडिट भी दिया हुआ है कि कौन से अकाउंट से इसने वीडियो ली है। तो ऐसी वीडियोस को हम रीयूज कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी बड़े बड़े पेजेस इस तरह की वीडियोस को रीयूज करते हैं। अगर आपको और पेजेस देखने हैं तो एक ये पेज है लग्जरी लाइफस्टाइल मैगजीन, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के लग्जरी लाइफस्टाइल की वीडियोस मिल जाएंगी और ये सारी शॉर्ट्स के फॉर्मेट में ही है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक ये पेज है लग्जरी लाइफस्टाइल, यहाँ पर आपको सारी कार्स वगैरह की वीडियोस मिल जाएगी। जैसे देखो ये सारी कार्स की वीडियोस है, अगर आप इनको रीयूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो जैसे अब मैं आपको एक शॉर्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे शॉर्ट क्रिएट करना है अपने मोबाइल फोन से। आपको ये सारे पेजेस फाइंड कर लेने हैं इंस्टाग्राम पर और इनकी रील्स को ही रीयूज करना है। जैसे सिंपली मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ। एक इंस्टाग्राम डाउनलोडर की एप्लीकेशन आती है, आप उसको मोबाइल में डाउनलोड करके इजिली सेम प्रोसेस को रेप्लीकेट कर सकते हो। इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, देन अब मैं सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर और यहाँ पर जाकर मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर लिंक पेस्ट किया, देन डाउनलोड। तो देखो ये हमारी वीडियो आ गई, मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो ये डाउनलोड हो गई। अब हमारे पास हमारा शॉर्ट बनाने के लिए कंटेंट आ चुका है। अब बारी आती है कि आपको इस रॉ वीडियो को एडिट कैसे करना है जिससे कि आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। उसके लिए मोबाइल्स में बहुत सी वीडियो एडिटिंग एप्स आती है, जैसे एक काइन मास्टर है, एक वीटा ऐप है, एक वीएन ऐप है। इस तरह की एप्स को आप इजीली मोबाइल पर डाउनलोड करके वीडियोस को एडिट कर सकते हो। मैं सिंपली आपको पीसी से कर दिखा रहा हूं, तो इसलिए मैं कैनवा से करूंगा। आप इन सारी एप्लीकेशन में से किसी से भी कर सकते हो। तो मैं कैनवा पर चलता हूं। मैंने यहां पर सिंपली लिखा यूट्यूब शॉर्ट्स, तो हमको ऐसा ही यूट्यूब शॉर्ट्स चाहिए बिकॉज हमको वर्टिकल वीडियो चाहिए, हॉरिजॉन्टल वीडियो नहीं चाहिए। यहां पर टेम्पलेट्स आ गए, मैं न्यू शॉर्ट पर टैप करता हूं। तो अभी हमने जो वीडियो डाउनलोड की थी उसको मैं यहां पर अपलोड करता हूं। तो हमारी वीडियो यहां पर अपलोड हो चुकी है, मैं सिंपली इसको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। तो यहां पर देखो अभी इस वीडियो के पीछे साउंड है, आपको सबसे पहला काम करना है वीडियो के साउंड को रिमूव करना है बिकॉज अगर आप सेम वीडियो के साउंड को यूज करोगे तब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी ही आएगी। आपको वीडियो के ओरिजिनल साउंड को बंद करना है, जैसे मैं यहां से साउंड बंद कर लेता हूं। ये देखो नो साउंड। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। तो देखो वीडियो का साउंड यहाँ पर हट चुका है। अब हमारे पास रॉ वीडियो आ चुकी है। अब हमको इस वीडियो को बनाना है हमारे कोड के रिलेटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो की लेंथ ओनली 12.7 सेकंड ही है। तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो भी आप शॉर्ट क्रिएट करोगे उसकी मैक्सिमम लेंथ 50 सेकंड तक ही होनी चाहिए। 50 सेकंड से ऊपर का कोई भी शॉर्ट आपको नहीं बनाना है बिकॉज हम इन शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग म्यूजिक का ही यूज करेंगे जिससे कि हमारे शॉर्ट्स की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ट्रेंडिंग म्यूजिक के कारण। अब हमको सिंपली यहाँ पर हमारा कोट लिखना है, उसके लिए मैं टेक्स्ट पर टैप करता हूँ। तो टेक्स्ट की बहुत सी ऑप्शंस यहाँ पर आ चुकी है जैसे आप देख सकते हो। मैं सिंपल टेक्स्ट से आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, जैसे एड हेडिंग। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब हमको हमारे कोड को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, उसके लिए ये कोड था हमारा व्हेन यू हैव अ ड्रीम, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ हमारी फर्स्ट लाइन को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो देखो ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट आ गया व्हेन यू हैव अ ड्रीम। मैं क्या करूंगा, ड्रीम को यहाँ पर येलो करूंगा, यहाँ पर कलर में गए और मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब देखो हमारा ड्रीम यहाँ पर येलो हो चुका है। अभी हमारी वीडियो पर ओनली फर्स्ट लाइन ही चल रही है जबकि हमको हमारे कोर्ट की सेकंड लाइन भी देनी है, तो इसके लिए हमको वीडियो पर कट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं न्यू ट्रांजिशन में एक और सेम वीडियो लेता हूँ, यहाँ पर अपलोड्स में गए, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये हमारी वीडियो यहाँ पर भी आ गई, इसको मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ सबसे पहले, देन अब मैं इसको छोटा करता हूँ वीडियो को। तो देखो ये हमारा क्लिप ओनली 6 सेकंड का बन चुका है। यहाँ पर देखो कार की इमेज ही ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो अब हमको इसको भी छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर बिकॉज सेम क्लिप को हमने दो बार यूज किया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इतनी बस। तो अब देखो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसको। ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट आ गया फर्स्ट क्लिप पर, देन यहाँ पर हमारा सेकंड टेक्स्ट आएगा। तो मैं इसको पॉज करता हूँ और टेक्स्ट लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देन अब हमारी जो सेकंड लाइन थी मैं उसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा जो सेकंड टेक्स्ट था वो हमारे सेकंड क्लिप पर आ चुका है। तो ये हमारी टोटल प्रॉपर वीडियो बन चुकी है। अब आप इसको अपने हिसाब से स्टाइल वगैरह कर सकते हो, जैसे सिंपली मैं ग्रैब को कलर देता हूँ, यहाँ पर मैं कलर में गया, इस पर मैं येलो कलर करता हूँ, एंड नेवर लेट गो को भी मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कलर भी हो चुका है, जैसे मैं इसको ऐसे करता हूँ
और इसको यहाँ से बढ़ा गया थोड़ा। देन अभी हमको इस टेक्स्ट में एनिमेशन देनी है, तो उसके लिए एनिमेशन की ऑप्शन है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनिमेशन आप चूज कर सकते हो, जैसे ये है, ये है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं पेन को यूज करता हूँ, ऐसे ही हमको फर्स्ट वाले पर भी करनी है। तो अभी देखो, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसको। ये हमारा टेक्स्ट आ गया और यहाँ पर हमारी पीछे बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है। देन यहाँ पर देखो, अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये हमारा प्रॉपर शॉर्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपका किसी और वे में क्रिएटिवली माइंड चलता है तो आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो शॉर्ट बनाने के बाद अब बारी आती है कि इसको अपलोड कैसे करना है, जिससे कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू ना आए। तो शॉर्ट को अपलोड करने के लिए मैं आपको सीधा ही मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ से आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको शॉर्ट्स को अपलोड करना है। तो आपको सिंपली यूट्यूब पर आने के बाद क्रिएट पे टैप करना है। यहाँ पर क्रिएट ए शॉर्ट की ऑप्शन होगी, आपको यहाँ पे जाना है। तो अब हमने जो वीडियो क्रिएट की थी उसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। देन वीडियो के अपलोड होने के बाद नीचे देखो साउंड की ऑप्शन, आपको साउंड पे टैप करना है और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर ओनली इंग्लिश म्यूजिक ही सिलेक्ट करना है ताकि जो आपके शॉर्ट की रीच है वो वर्ल्ड वाइड हो। आपको कोई भी हिंदी सॉन्ग सिलेक्ट नहीं करना, आपको ओनली इंग्लिश सॉन्ग ही सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कोई भी रैंडम सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूं, देन नेक्स्ट करना है आपको। तो साउंड वगैरह देने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहां पर टाइटल देना है। जैसे हम मोटिवेशन के रिलेटेड शॉर्ट्स बना रहे हैं तो मैं उसके रिलेटेड ही टाइटल देता हूं यहां पर। तो यहां पर देखो, मैंने सिंपली टाइटल दिया बेस्ट मोटिवेशन वीडियो स्टेटस बिलियनेयर स्टेटस। उसके बाद मैंने हैशटैग दे दिया शॉर्ट्स मोटिवेशन और रिच लाइफस्टाइल। तो ये सारा टाइटल देने के बाद अब मैं सिंपली अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करता हूं। तो देखो, ये हमारा शॉर्ट डल चुका है। तो आप देख सकते हो, ये देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग और अट्रैक्टिव सा लग रहा है और इसमें हमने एडिटिंग करके इसको हमारा अपना खुद का कंटेंट बना लिया है। अब इसमें कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। आपको जिस भी इंस्टाग्राम के पेज से वीडियोस उठानी है उनके ओरिजिनल म्यूजिक को आपको म्यूट कर देना है, इससे आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप कंटेंट बनाओगे तब आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अब आप इस सेम कंटेंट से अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो कर सकते हो, अपने फेसबुक पेज भी ग्रो कर सकते हो, अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट भी ग्रो कर सकते हो। मतलब कि इस तरह का एक कंटेंट बनाकर आप अपने लिए मल्टीपल सोशल मीडिया नेटवर्क्स को ग्रो कर सकते हो और इन सारी चीजों से आप अच्छी खासी मनी जनरेट कर सकते हो। तो आई होप अब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लग गई होगी कि कैसे आपको यूट्यूब पर मोटिवेशन शॉर्ट्स बनाने हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालकर, जिससे कि आपका कंटेंट एंगेजिंग भी बनेगा और आपको शॉर्ट्स फंड भी रिसीव होगा यूट्यूब की तरफ से और इसमें कोई भी कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा और इस एक कंटेंट को आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको उस चीज में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस तरह का और अमेजिंग कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए, बिकॉज मैं ऐसा ही ऑनलाइन अर्निंग पर कंटेंट लाता रहता हूँ। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।